विधवा भाभी की तीन नंदों का ब्राइडल लहंगा। दीपक, हम कब तक ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हम कब शादी करेंगे? कीर्ति, तुम तो जानती हो ना, माँ बाबा के जाने के बाद मेरी तीनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जब तक महक, शीतल और पलक के हाथ मैं पीले नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और अगर तुमसे शादी भी कर लेता हूँ तो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तुम उसकी फिक्र मत करो, जैसे वो तीनों तुम्हारी बहन है वैसे ही मेरी भी बहन है। शादी के बाद मैं उन तीनों का तुमसे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी, और मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारा प्यार ही काफी है। कीर्ति की बात सुनकर दीपक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में दीपक और कीर्ति की शादी हो जाती है। कीर्ति शादी के बाद अपनी तीनों नंदों का बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ही ख्याल रखती है। भाभी, कहाँ हो आप? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना। आ गई, तुम तीनों बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। खाना बस अभी बनकर तैयार हुआ है, जल्दी से तुम तीनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम तीनों के लिए खाना लगा देती हूँ। भाभी, आपके हाथों की गट्टे की सब्जी खाकर तो सच में मजा ही आ गया, और उसके साथ ये खट्टा खट्टा आम का अचार। मुझे नहीं पता था क्या आप इतना अच्छा खाना और साथ ही साथ अचार भी बनाती हो। भैया ने बचपन से लेकर आज तक हमारी सारी चीजों को पूरा किया है, लेकिन वो कभी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाए। महक की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, और ऐसे ही सारे परिवार के दिन गरीबी में ही लेकिन हंसी खुशी के साथ गुजर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, किसी की खुशी को नजर लगते देर नहीं लगती। अरे दीपक भाई, आज आप दूसरी वाली यूनिट में काम करोगे, वहाँ मजदूर कम आए हैं आज। दीपक सेकंड यूनिट में काम करने के लिए चला जाता है। दीपक सेकंड यूनिट में काम कर ही रहा होता है कि तभी अचानक एक मशीन के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे दीपक जैसे ही उस मशीन को चेक करने के लिए उसके पास जाता है कि तभी दीपक को उससे बहुत तेज करंट लगता है, जिससे फौरन दीपक की वहीं मौत हो जाती है। दीपक, उठिए ना दीपक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बस करो भाभी, अब कितना नाटक करोगे? आपकी वजह से ही आज हमारे भैया हम सभी के बीच नहीं है। जब से आपने इस घर में कदम रखा है, तब से ही हमारे घर पर पनौती छा गई है, और आज हमारे भैया भी हमें छोड़कर दूर चले गए। ये तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। भाभी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। भैया की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप आज के बाद हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है, समझिए आप। तीनों नंदों के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो वहां से रोती हुई बाहर चली जाती है, जहां वो अपने और दीपक के बीच में हुए पुरानी बातों को सोचती है। मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बहनों का ख्याल रखोगी और उनकी धूमधाम से शादी करोगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं तो यूं ही कह रहा था, परेशान मत हो, मैं तुम्हें और अपनी बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन तीनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और इनकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कोई ना कोई काम करना होगा। कल ही जाकर काम ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन होते ही अपने पति के किए गए वादे को निभाने के लिए कीर्ति काम की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है कि तभी कीर्ति देखती है कि एक गाड़ी वाला एक बुढ़े आदमी को टक्कर मार देता है। बाबा, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं बिटिया, मैं ठीक हूँ। ये गाड़ी वाले तो आजकल अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं, इन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। कीर्ति उस बूढ़े बाबा को अपने साथ अस्पताल ले जाने लगती है कि तभी वहाँ दो औरतें आ जाती हैं। सुनिए जी, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम कीर्ति है, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम जया है और इनका नाम उर्मिला। हमारी एक संस्था है जहाँ पर हम सभी बेरोजगार औरतों को काम देते हैं, और इसी के साथ हमारे संस्थान में हम वृद्ध लोगों की सेवाएं भी करते हैं। आपने जिस तरह इन बाबा की मदद की, उसे देख हम लोग आपसे बहुत प्रसन्न हुए। अगर आप चाहें तो हमारी संस्था से जुड़कर काम कर सकती हैं। इसके लिए आपको महीने का वेतन भी दिया जाएगा। क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी इस संस्था के साथ जुड़कर काम करना चाहूंगी। मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। मेरी तीनों ननद घर में कुंवारी बैठी हुई हैं और मुझे उनकी शादी भी करनी है। कीर्ति, जया और उर्मिला के साथ मिलकर उनके संस्थान में काम करती है। कीर्ति संस्थान में हर किसी की मदद करती है और बूढ़े लोगों की सेवा करती है, जिससे संस्थान के काम कर रहे हर किसी को कीर्ति बहुत पसंद आती है, और जो भी कीर्ति को मिलता, कीर्ति उन पैसों को अपनी तीनों ननंद की शादी के लिए जमा करती है।
लेकिन कीर्ति की तीनों नंदे उसे ताना देना अभी भी बंद नहीं करती हैं। आपको क्या लगता है, आप संस्था में काम करके हमारी शादी के लिए पैसे जमा करेंगी? हमारी शादी का सपना हमने अपने भैया को बताया था कि हमें किस तरह से शादी करनी है। हम धूमधाम से अपनी शादी करना चाहते थे, सारी रस्मों को एंजॉय करना चाहते थे हम, कि हमारी शादी का लहंगा मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर से होगा, और लेकिन सिर्फ आपकी वजह से अब हमारा सिर्फ ये सपना सपना ही रह जाएगा। तुम तीनों का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। कीर्ति की तीनों नंदे उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन, अरे आलोक, वैभव जी, कैसे आना हुआ आपका आज यहाँ? ऐसे ही आ गए। संस्था संसार में सब ठीक चल रहा है ना, किसी को किसी की जरूरत तो नहीं है। आपके रहते क्या कोई परेशानी हो सकती है? काकी, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है और आपकी जरूरत की सारी चीजें भी रख दी हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके बिस्तर तक छोड़ देती हूँ। ये लड़की कौन है? इसे तो पहले हमने इस संस्थान में कभी नहीं देखा। इसका नाम कीर्ति है, कुछ दिन पहले ही इस संस्था में आई है। बड़ी ही अच्छी लड़की है। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति की करंट लगने से मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और अपनी तीनों नंदों की शादी करने के लिए दिन रात संस्थान में मेहनत करती है। कीर्ति, इधर आओ और इनसे मिलो। ये डिजाइनर आलोक और वैभव जी हैं। जी नमस्ते। 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 आपके बारे में जया और उर्मिला जी से बहुत तारीफें सुनने को मिली हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे एनजीओ में काम करें। क्या आप हमारे साथ हमारे एनजीओ में काम करना पसंद करेंगी? मुझे अपनी तीनों नंदों की शादी करनी है और उनका मनपसंद ब्राइडल लहंगा उनके लिए लेकर आना है। इसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी होगी मैं करूंगी और उनका हर एक सपना पूरा करूंगी। आपकी तीनों नंदे तो बहुत किस्मत वाली हैं, जो उन्हें आप जैसी भाभी मिली हैं। आप फिक्र मत करिए, आप बस हमारे साथ हमारे एनजीओ में काम करिए। और रही आपकी नंदों की ब्राइडल लहंगे की बात, तो हम डिजाइनर हैं, हम अपने हाथों से आपकी तीनों नंदों के लिए ब्राइडल लहंगा बनाएंगे। कीर्ति अब एनजीओ और संस्था दोनों में ही दिन रात मेहनत करके काम करती और अपनी तीनों नंदों की शादी के लिए पैसे जोड़ती है और उसी के साथ उनके लिए अमीर घर के रिश्ते भी ढूंढ लेती है। कुछ ही दिनों में कीर्ति की तीनों नंदों की शादी तैयारी शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कीर्ति की तीनों नंद की शादी होती है। देखो, मैं तुम तीनों के लिए तुम्हारे सपनों का ब्राइडल लहंगा लेकर आई हूँ। ये काफी महंगे हैं, इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैं एनजीओ और संस्था सिर्फ तीनों और तुम्हारे भैया के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही थी। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं दीपक से किए हुए वादे को पूरा कर सकूं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, आपने हम तीनों के लिए इतनी मेहनत करी और हमने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। हमारे और हमारे भैया के अधूरे सपने को आज आपने पूरा कर दिया भाभी। इतना कहकर तीनों नंद अपनी भाभी से गले लग जाती हैं और अपनी भाभी का लाया हुआ ब्राइडल लहंगा पहनकर शादी करती हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। वहीं अब कीर्ति भी संस्था और एनजीओ में काम करके अपनी जिंदगी जीती है। अरे अच्छे से पैरों की मालिश करो, तुम तो सिर्फ एक ही साइड से पैरों की मालिश कर रही हो। अच्छे से मेरी कंधी दबाओ ना, हाथों में जान नहीं है क्या? मोना, तीशा, ये क्या हो रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमारी तीनों देवरानियां हमारी सेवा कर रही हैं। मोना, तीशा, जब से तुम दोनों गर्भवती हुई हो तब से घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगा रही हो, और इतना भी आलसपन ठीक नहीं है। शुरुआती दिनों में किसी भी गर्भवती औरत को अपने हाथ पैर चलाने चाहिए, ना कि तुम दोनों की तरह एक जगह चिपक कर बैठ जाना चाहिए। आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हम दोनों की वजह से आपके घर को आपका वारिस मिल रहा है। कम से कम हम दोनों इन तीनों की तरह बांझ तो नहीं है जो शादी के 4 साल होने पर भी मां नहीं बन पाई हैं। मोना, अपनी बकवास बातें बंद करो, समझी? मेरी ये तीनों बहुएं बांझ नहीं है। देखना, एक दिन ये तीनों भी गर्भवती होंगी और इस खानदान को वारिस को जन्म देंगी। कलावती की बातें सुन मोना और टीशा वहां से मुंह बनाकर चली जाती हैं। वहीं कलावती की तीनों छोटी बहुएं खुशी, आंचल और पूजा की आंखों में आंसू होते हैं। अरे, तुम तीनों रो क्यों रही हो? आपने देखा नहीं कैसे भाभी हमेशा हम तीनों को हमारी बांझ होने पर ताना देती रहती है? अगर हम तीनों मां नहीं बन पा रही हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? हम भी तो चाहते हैं कि हम तीनों मां बने, अपने बच्चों को अपने आंचल में खिलाएं। फिक्र मत करो, देखना छठी मैया के आशीर्वाद से तुम तीनों की गोद कितनी जल्दी बढ़ती है। तुम तीनों छठी मैया का व्रत रखना, फिर देखना कैसे तुम तीनों की सूनी गोद भर जाएगी।
अपनी सास की बातें सुन उन तीनों के चेहरे पर हंसी आती है और ऐसी ही समय गुजरता है। ये ट्रे यहाँ रख दो और अब हमारे लिए जूस बनाकर लेकर आओ और मेरे लिए पैनकेक भी बना देना और हाँ उस पर एक्स्ट्रा हनी भी डाल देना। अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी ना, भूलो मत तुम्हारी तरह ये तीनों भी इस घर की बहू हैं, ना कि नौकरानियां। ये तीनों तुम दोनों की तरह चालाक नहीं है इसीलिए बेचारी तीनों दिन रात तुम दोनों की सेवा में लगी रहती हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो। लगता है आपने वो कहावत नहीं सुनी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल मैं तुम पांचों से ये कहने आई थी कि अगले हफ्ते छठ पूजा है, इसलिए तुम पांचों छठ पूजा का व्रत रखोगी। खुशी, आंचल, पूजा, खासकर तुम तीनों, जो भी औरत संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा का व्रत रखती है उसकी गो छठी मैया बहुत जल्दी भर देती है। वो ठीक है माँ जी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इन तीनों के व्रत रखने का कोई भी फायदा होगा। रहना तो इन तीनों को जिंदगी भर भांज ही है। मोनिका की ऐसे बातें सुनकर तीनों को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो तीनों कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और छठ पूजा का दिन करीब आ जाता है। चलो हमारी तो सारी साफ सफाई हो गई, अब व्रत का प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसे कैसे, हमारे कमरे की सफाई तो तुम तीनों ने की ही नहीं, हमारे कमरे की सफाई कौन करेगा? जो छठ पूजा का व्रत रखता है वो ये सफाई खुद ही करता है। जैसे हम तीनों ने किया तो आप दोनों को भी सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। हम दोनों प्रेग्नेंट हैं और इस खानदान को वारिस देने वाली हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसी हालत में हम घर के काम करेंगे? ज्यादा काम थोड़ी ही ना है, थोड़ी बहुत सफाई है, ये तो आप दोनों आसानी से कर सकती हैं। अरे तुम तीनों को क्या पता प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तुम तीनों तो ठहरी पांच, इसीलिए तुम तीनों ही हमारे कमरे की भी सफाई करोगी। आप दोनों गर्भवती हैं और बहुत ही जल्द इस परिवार को उनका वारिस देने वाली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हमेशा हमें बांझ का ताना ही देती रहो, भगवान सब देख रहा है। अपनी बकवास अपने पास रखो, समझी, जितना बोला है उतना करो, हमसे जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जेठानी की बातें सुन तीनों देवरानियों को आंखों में आंसू लिए उनके कमरे की सफाई करनी पड़ती है, जिसके बाद तीनों देवरानियां बाजार जाती हैं, जहां बाजार में बहुत ज्यादा छठ पूजा की चहल पहल होती है और तीनों बहू छठ पूजा का सारा सामान लेकर घर आती हैं और मिलकर पूजा के प्रसाद बनाने की तैयारी करती हैं। तुम तीनों ने सिर्फ अपना अपना प्रसाद बनाया है, हमारा प्रसाद कौन बनाएगा? ये प्रसाद वही बनाता है जो छठी मैया का व्रत रखता है। इन तीनों ने अपने व्रत का प्रसाद बनाया है, तुम दोनों को भी अपने व्रत का प्रसाद खुद बनाओ। सफाई नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम प्रसाद तो बना ही सकते हो। माँ जी ऐसी हालत में हम प्रसाद कैसे बनाएंगे, वो भी इतनी ठंड में। आप देखिए ना, हम दोनों गर्भवती हैं, ऐसी हालत में तो हमें आराम करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी व्रत रख रहे हैं, ऊपर से अब आप हमें काम करने के लिए भी बोल रही हो। अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रहेंगी ना तो तुम्हारा ये छठी मैया का व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है, तुम उनका और उनके व्रत का अपमान कर रही हो। कलावती की बातों से मोना और टीशा दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे देख उन दोनों की तीनों देवरानियां ही सच्चे मन और श्रद्धा से उनका प्रसाद बनाती हैं और ऐसे ही छठ पूजा का तीसरा दिन शुरू हो जाता है, जिसके बाद कलावती अपनी पांचों बहुओं के साथ नदी किनारे घाट पर जाती है। छठ पूजा के उत्सव का पूरा घाट लोगों से भरा हुआ होता है, हर तरफ छठ पूजा की तैयारियां चल रही थी और छठी माई के गाने बज रहे होते हैं। वो देखो मोना, छठ के त्योहार पर कितना बड़ा मेला लगा है और उसमें कितने बड़े बड़े झूले हैं। छठ पूजा पर चहल पहल कितनी अच्छी लगती है, इन्हीं चीजों के कारण मुझे छठ पूजा का त्योहार बहुत पसंद है। चलो ना, चलकर एक दो झूले झूल कर आते हैं, अभी तो सूर्यास्त होने में काफी समय है। भाभी आप दोनों गर्भवती हैं और ऐसी हालत में झूला झूलना आप दोनों की सेहत के लिए सही नहीं है, ऊपर से सूर्यास्त भी होने वाला है, अगर आप बाद में पूजा करेंगी तो आपका व्रत रखने का क्या ही फायदा होगा, आप पहले चलकर पूजा कर लीजिए। हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों बांझ अपनी तरह से अपना छठ पूजा का व्रत रखो और हम अपनी तरह से रखेंगे। चल मोना, हम तो झूला झूल कर ही आएंगे। टीशा और मोना अपनी देवरानियों की बातों को अनदेखा कर जाकर झूला झूलते हैं और उसके बाद पूजा करने के लिए नदी के अंदर आती हैं, जहां तीनों देवरानियां सूर्यास्त पर जल चढ़ाते हुए अपनी माँ बनने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं पानी में खड़ी मोना टीशा पूजा करने का दिखावा करती हैं, जिसके बाद वो दोनों जैसे ही पानी से बाहर आती हैं, आह मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, आह माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया, इन दोनों को ये अचानक से पेट में दर्द कैसे हो रहा है?
माँ जी, ये सोचने का समय नहीं है, जल्दी से भाभी को अस्पताल लेकर चलते हैं, लगता है इनकी डिलीवरी का समय आ गया है। आंचल की बात सुन कलावती अपनी दोनों बहुओं को अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उनका काफी देर तक ट्रीटमेंट करता है, जिसके बाद, डॉक्टर साहब, मेरी बहुएं कैसी हैं और उनके पेट में ये अचानक दर्द कैसे होने लगा था? हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी दोनों बहुओं का मिसकैरेज हो गया है, लेकिन आपकी बहुएं ठीक हैं। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कलावती को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता कि तभी अचानक कलावती की तीनों छोटी बहुएं बेहोश हो जाती हैं। अब इन तीनों को क्या हो गया? लगता है मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई है, कि ये छठी मैया मेरे परिवार को बुरी नजर से बचा। डॉक्टर कलावती की तीनों छोटी बहुओं का चेकअप करता है तो कलावती को पता चलता है कि अब उनकी तीनों बहुएं बांझ नहीं रही, बल्कि उनकी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, जिसे सुनकर कलावती बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर में पांचों बहुओं को होश आ जाता है। हमारा बच्चा, हमने ऐसे क्या पाप किए थे जो ऊपर वाले ने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया? अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं आए थे। तुम दोनों ने जो अपनी तीनों देवरानियों के साथ किया, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, कल छठ के त्योहार का चौथा दिन है, तुम दोनों घाट पर जाकर अपनी गलतियों की छठी मैया से माफी मांगो। मुझे यकीन है वो तुम दोनों को माफ कर देंगी और तुम दोनों की गोद को दोबारा भर देंगी। खुशी, आंचल, पूजा, तुम तीनों हम दोनों को माफ कर दो। अगर हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते तो आज हम दोनों की गोद सोनी नहीं होती। लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है और हम छठी मैया से अपनी किए की माफी जरूर मांगेंगे। अगले दिन होते ही मोना और टीशा अपनी तीनों बहुओं के साथ नदी किनारे जाती है, जहां वो सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा पूरी करती हैं, जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में मोना और टीशा दोनों वापस गर्भवती हो जाती हैं और अगली छठ पूजा आने तक पांचों बहुओं की गोद उनके बच्चों से भर जाती है, जिसके बाद पांचों मिलकर छठ पूजा का त्योहार बनाती हैं, छठ पूजा का गीत गाती हैं। भोरी भोरी गंगा के घाट पूजन की जाए, इस छठी मैया तोरे अरद चवाई। भोरी भोरी गंगा घाट दूरी पूजन चढ़ाईब, उगे सूरज देव हम जल चढ़ाईब। ए छठी मैया तोरे के जल चढ़ाई। ऐसे ही गीत गाते हुए पांचों बहुएं छठ पूजा करती हैं और मोना और टीशा को उनकी करनी का फल मिल जाता है, लेकिन छठ मैया की कृपा से उनकी गोद भी भर जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।